डेरा सूरजगढ़ में हमारे इस ऐतिहासिक तीर्थ की 21वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और एक बहुत बड़ी संगत भी हमेशा की तरह यहाँ उपस्थित है। मैं सबसे पहले तो 21वीं स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आइए प्रार्थना भी करता हूँ सतगुरु रविदास जी महाराज से और हमारे वर्तमान में जो हमारे आदिशक्ति हमारे गुरु सतगुरु नरेंद्र दास जी महाराज जो गति नसीन है डेरा बल्ला से, मैं उनके चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि ये डेरा अभी तो 21 साल की स्थापना हुई है, ये 2100 साल तक चलता रहे, युगों युगों तक यहाँ से जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की जो है विचारधारा उनका आशीर्वाद आगे बढ़ता है। मैं पिछली बार जब आया था तो महाराज जी से कह के गया था कि मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब आऊँ तो राजकाज में कुछ हिस्सेदारी करके आऊँ। ये अच्छी बात है, महाराज जी ने भी कहा, महाराज मंदीप दास जी और बड़े गुरु जी सतगुरु नरेंद्र दास जी का आशीर्वाद और तमाम संतों गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर लंबे समय से है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि इनके आशीर्वाद से एक लड़ाई हम लोग जीतने में कामयाब हो पाए और ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई बेगमपुरा राज को इस देश में स्थापित करने की लड़ाई। मैंने पिछली बार भी कहा था, उससे पिछली बार भी कहा था कि एक दिन आएगा ऐसा कि जब भारत में सतगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनुवन और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे परसन, ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब ना हो, सब लोग इज्जत से जिए, ऐसा राज आना चाहिए। मैं तो उसका पहरेदार बनकर, रविदास कौम का पहरेदार बनकर अपनी जिम्मेदारी को दिल्ली की पार्लियामेंट में भी और देश के हर कोने में भी जो है उस जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि जिस दृढ़ संकल्प से हम लोग लगे हुए हैं आने वाला दशक भी पूरा नहीं होगा और इस देश में बेगमपुरा राज सतगुरु रविदास जी महाराज जी का बेगमपुरा शहर का सपना पूरा होगा, ऐसा मैं भरोसा। मैं क्योंकि समझता हूँ कि जब तक बेगमपुरा नहीं आएगा तब तक असमानता की लाठी नहीं झुकेगी और उसको लाने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। तो मैं क्योंकि मुझे जाना है, आज बजट सेशन पे बात है और मुझे यहाँ से बताया गया है कि जो हमारी 9 फरवरी को स्पेशल बेगमपुरा ट्रेन चलती है उसमें और जो मेले की ट्रेन चलती है दोनों दिक्कत होती है। मैं वचन देके कहता हूँ आपको इस मंच के माध्यम से कि इस बार और जब इस बार के बाद जब भी जब बेगमपुरा ट्रेन चला करेगी हमारे स्पेशल ट्रेन और मेले वाली ट्रेन, तो उनके जो जिस तरह की सुविधा हमारी संगत चाहती है, इस तरह का महाराज जी का आदेश है, वो पूरी होगी, इस बात पर मैं आप लोगों को वचन देता हूँ। मैं आज ही जाके रेल मंत्री जी से इस बात को कहूंगा क्योंकि महाराज जी से बड़ा हम पे अब कोई नहीं है यहाँ। महाराज जी हमारे कुल गुरु है, महाराज जी हमारी जो है आदिशक्ति है, महाराज जी हमारी जो है गौरव है और उनका आदेश हमारे लिए सर माथे। और एक और हमने प्रयास ये किया था कि हमारी एक रेजिमेंट जो बहाल होनी चाहिए थी वो बहाल नहीं हो रही, उसके लिए भी हमने पार्लियामेंट में प्रयास किया था और हमने कहा था कि वो रेजिमेंट बहाल कर दो, मगर मुझे लगता है माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बहाल मांगने से नहीं होगी, वो ताकत बना के करनी पड़ेगी, तो जब हम लोग ताकत में होंगे तो हम उसको बहाल भी करा देंगे और बेगमपुरा राज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही डेरे से जुड़े रहें और डेरे से जो आदेश हुआ करे, डेरे से महापुरुषों की जो बाणियाँ हुआ करे उनको आत्मसात किया करे
और एक दिन रविदासिया कौम का झंडा और डंडा दुनिया में जो है ऐसे ही चमकेगा जैसे अंधेरे में चमक रहा है, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदेश मुझे ये हुआ है कि तुगलकाबाद का हमारा गुरु घर नहीं बनाए, और आप जानते हैं मैंने पार्लियामेंट में पहले दिन ये बात उठाई थी कि सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। वो गुरु घर जहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज रुके थे और उन्होंने लंबे समय वहाँ सेवा दी थी, वो गुरु घर जब तोड़ दिया गया, हम लोग जेल गए छाड़वे लोग। हरियाणा का मैं सम्मान करता हूँ कि हरियाणा के बहुत सारे नौजवानों ने उस दिन आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया था, लेकिन वो गुरु घर नहीं बनाया। मेरे दिल में टीस है, मैं सबसे पहले MP बनने के बाद उसी गुरु घर में उसी धरती में नतमस्तक होने गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो गुरु घर बहुत जल्द बनेगा, और बाकी आप महाराज जी से आदेश करवा दो तो फिर किसी को सोने नहीं देंगे जब तक गुरु घर नहीं बनेगा। बस महाराज जी के आशीर्वाद, आदेश और आशीर्वाद के लिए वो रोक देते हैं, हम चुप रहते क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी बात तो इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो गुरु घर भी बनेगा और ये संघर्ष भी आगे बढ़ेगा। मैं चुने आप जितने संगत यहाँ पहुँची उनके भी मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ, उनके लिए भी सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। मेरी जितनी बहनें माएँ पहुँची हैं, आज भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हालात बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुणे 21वें स्थापना दिवस की बधाई और मंगल कामनाएं। और महाराज मंदीप दास जी से आग्रह है कि आप ही आदेश कर देंगे। बड़ी तकलीफ होती है जब उस गुरु घर में जाते हैं, एक और जो है ये आदेश आया है कि आदमपुर का जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, देश के प्रधानमंत्री जी पंजाब में बोल कर गए थे कि वो होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ ना। आदमपुर जलंधर का जो हमारा एयरपोर्ट बना है उसका नाम होना चाहिए, लेकिन पंजाब में आके तो प्रधानमंत्री ये भी बोलते हैं गुरु घर सबसे भव्य बनेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो आदेश महाराज जी का हुआ है उसको पूरा कराने के लिए हम लोग एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो एक बार मुझे भी। बहुत मजबूत लड़ाई है, चार चार गोली खा के आपके बीच में हूँ क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज का और फिर हमारे संत गुरुओं का आशीर्वाद मेरे सर पर है। आप भी ये बात मानो, इधर उधर मत टहला करो, अपने गुरुओं के डेरों में आया करो और इनकी वाणियों पर चला करो। कोई गोली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी बात को आप याद रखना, और आपके बच्चे भी इस तरह कामयाब होंगे जिस तरह आपका ये बेटा भाई चंद्रशेखर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलिए सतगुरु रविदास।